अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अराउंड अस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे वीडियो प्रॉपर अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इस बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप लोगों ने YouTube में जाना है। आप जैसे YouTube जाएंगे यहाँ पे आपके सामने एक कैमरा का आइकॉन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा। न्यू पेज पे यहाँ पे आपने उस वीडियो को ड्रैग भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वीडियो का कीवर्ड कॉपी कर लेना है, जो भी आपकी वीडियो का कीवर्ड हो। यहाँ पे मेरी वीडियो का ये कीवर्ड है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उसी वीडियो को ढूंढता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके उस वीडियो को ढूंढता हूँ जिस वीडियो को मैंने यूट्यूब पर अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो ढूंढता हूँ तो मैं ये वीडियो है, इस वीडियो को मैंने अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका नाम चेंज करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके रीनेम पे, और वहाँ पे वही कीवर्ड्स। उसके अलावा दोबारा मैंने लेफ्ट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद डिटेल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल वाली जगह पे वही कीवर्ड पेस्ट कर देना है। उसके अलावा सबटाइटल की जगह कीवर्ड पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने 5 स्टार पे क्लिक कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है तो ये आपकी यूट्यूब में आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ करना है तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन टाइटल सब कुछ बनाया। यहाँ पे मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ तो ये कंट्रोल प्लस सी से और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देता हूँ। ये इसका टाइटल हो गया। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नीचे करके यहाँ पे दोबारा इसका टाइटल एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। और उसके अलावा आपने मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे टॉपिक कवर इन दिस वीडियो, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वहाँ पे मैंने सारे लिखे हुए हैं तो आपने भी पहले लिख के सेव कर लेने। तो मैं इनको सबको कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से और यहाँ पे आके ना दोबारा से कंट्रोल वी से मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे सारे सब टाइटल जो हैं इस वीडियो में कवर हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके सामने ये सब आ गए। इसके अलावा आपने यहाँ से एक टैग कॉपी कर लेना है जो आपको हैशटैग यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसके अलावा मैंने इस चैनल की प्रॉपर सेटिंग की वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका बताया था तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग बनाया हुआ है, यहाँ पहले मेरे चैनल का नाम है। इसके अलावा मैं दूसरा हैशटैग ये देता हूँ, यहाँ पर मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हैशटैग बन जाए। तो इसके अलावा मैंने एक और हैशटैग देना है तो मैं वीडियो के टाइटल में से हैशटैग देता हूँ। पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में से दिया था और मैं टाइटल में से दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये मैंने कुछ वर्ड कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पे ये मैं वर्ड कॉपी करके ये मैं हैशटैग वाली जगह पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और मैं इनमें स्पेस ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हैशटैग बन जाए। यहाँ पे आपने ये करने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने करने के बाद आपने नीचे जाना है और यहाँ पे आपने थंबनेल अपलोड करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपने जो थंबनेल इस वीडियो के लिए बनाया होगा आप उस पर चले जाएंगे। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में ढूंढता हूँ वो मैंने थंबनेल इसके लिए कौन सा बनाया, तो मैंने ये थंबनेल बनाया तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखें इसमें थंबनेल ऐड हो गया। इसके अलावा मैंने नीचे जाना है तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट है इसके लिए तो आपने वो प्लेलिस्ट में क्लिक करके ऐड कर लेना और डन पे क्लिक कर। और इसके अलावा आपको ये यहाँ पे आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये नीचे और ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे आपके सामने ये टैग्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देखें मेरे चैनल का पहले से टैग लगा हुआ है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के लिए जो और टैग इकट्ठे किए हैं यहाँ पे मैं जाता हूँ इनको सारों को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं ये मैंने लिखे हुए थे पहले से सेव किए हुए थे तो मैं यहाँ से इनको कंट्रोल प्लस ऐसे कॉपी किया और कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो ये कुछ टैग ज़्यादा हो गए तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे चैनल के रिलेटेड टैग नहीं थे मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आऊँगा यहाँ पे मुझे कुछ और ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मेरा टैग का चैनल है मैंने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया है। आपने अपनी वीडियो के रिलेटेड अपने चैनल के रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ कमेंट पे वाले ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर लेना है कि आर्गुमेंट आपका अलाउ हो या ना हो, तो आपने यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आप इन कमेंट को शॉर्ट भी कर सकते हैं, टॉप कमेंट आपके सामने आए या न्यूएस्ट आए तो यहाँ पे आप इसको भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो पे
लाइक और डिसलाइक शो हो या न हो ये देख सकते हैं आप। इस ऑप्शन को अगर टिक करेंगे तो आपकी वीडियो पे शो होंगे, अगर आप इसको चेक मार ख़त्म कर देंगे तो ये शो नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ से ऊपर आपने इसका जो लिसेंस है वो स्टैंडर्ड ही रखना है ताकि आपकी वीडियो कोई बंदा और यूज़ ना कर सके। तो अगर आप क्रिएटिव कॉमन रखेंगे तो आपकी वीडियो कोई और बंदा भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा आपने जो डिस्ट्रैक्शन है ये एवरीवन रखनी है, एवरीवेयर सॉरी, तो आपने ये हमेशा एवरीवेयर रखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे लोकेशन लिख सकते हैं, तो लोकेशन के अलावा यहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग की डेट भी दे सकते हैं, तो मैं नहीं देखता, आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना। इसके अलावा आपने यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से, तो मैं यहाँ पे ये नहीं करता। यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन का ये ऑप्शन है, आप इस पर भी कोई क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी ये वीडियो पूरी अपलोड हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपने अपने ऐड को सिलेक्ट करना है कि आप वीडियो के कौन से ऐड आए। तो यहाँ पे मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप अपने चैनल की एंड स्क्रीन और कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपको पब्लिश करने का, लेकिन इससे पहले ये वीडियो पूरी अपलोड होगी तो आप तब पब्लिश कर सकते हैं। अभी मेरी वीडियो 47% अपलोड हुई है, तो मैंने वीडियो रोकी थी, अब 100% कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखें मैं पब्लिश का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखें, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे पब्लिक। उसके अलावा आप यहाँ पे इसको सेट एज प्रीमियर कर भी सकते हैं, उसके अलावा आपको अनलिस्टेड भी कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका डेट और टाइम सेलेक्ट करके शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने अभी इस वीडियो को पब्लिश करना है, तो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये देखें ये वीडियो पब्लिश्ड होगी। इसके अलावा आपने इसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर लेना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसके अलावा जो भी हैं आप इनके, यहाँ से आप इसका लिंक कॉपी कर सकते हैं यूआरएल वाला। तो यहाँ पे आप इसको आपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने देना है जो जो आपके पास हो। तो यह थी आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊं कि आप अपनी वीडियो के लिए टैग और डिस्क्रिप्शन कैसे ढूंढ सकते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।